हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, 8/4 + 4/8, इसे हमें भिन्न का जोड़ हमें बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, पहले हम आपको करना क्या है, ये जो दो भिन्न आपको दिख रहा है 8/4 और 4/8, जो नीचे वाला संख्या दिया हुआ है यानी कि 4 और 8, इसका सबसे पहले आपको लोसो निकाल लेना है यानी कि एलसीएम आपको निकाल लेना है। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है आप तो जानते ही हो। ठीक है, तो एलसीएम आप तो जानते ही हो। तो 4 और 8 का एलसीएम हम लोग जानते हैं 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे हम नीचे में इस प्रकार लाइन लिख करके नीचे में 8 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 8 आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद गुना का चिन्ह देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको इसमें भाग देना है। ठीक है, 4 से 8 में भाग देना है। तो 4 × 2 = 8, 2 मरते में कटेगा, तो 2 यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, जोड़ प्लस का, तो प्लस आपको दे देना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा संख्या है, 4, 4 आपने लिख लिया। उसके बाद कौन सा चिन्ह देंगे, गुना का, फिर इसको इससे भागा दो, 8 को 8 से 8 में भागा देंगे, एक बार में कटेगा 8 × 1 = 8। ठीक है, अब पहले किसका काम होता है, गुना का, तो ये गुना कर देंगे और ये गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो जाता है, 8 × 2 = 16 + 4 = 4/8। ठीक है, अब क्या करो, इसे आपस में जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 16 + 4 कितना होता है, 20, तो 20/8 ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि ये इसे हम काटें, तो आप इसे काट भी सकते हो, क्योंकि 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 5/2। इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसे आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ तक इसे काट के सोल्व कर सकते हो, या फिर 20/8 भी आंसर राइट है। ठीक है, सो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।